देखिए मोर बोला, इसमें आवाज शायद नहीं आएगी। देखिए सारा सामान पैक कर लिया है, ये बैग लेके जाएंगे, इसमें ट्राइपॉड है, ये रोप है और हेलमेट को पहन के जाना है। चिड़िया लोग आ गई हैं खाना खाने, दो कबूतर टाइप के आते हैं ये लोग खा रहे हैं, और जो छोटी वाली चिड़िया है नीचे है, दो वायर पे बैठे हैं, पास जाऊंगा तो ये लोग उड़ जाएंगे, इसलिए खाने देते हैं, खाओ। मौसम की खबर ये है कि बादल बहुत सुंदर लग रहे हैं, अभी सूरज देवता वहाँ से निकलेंगे। और स्थिति ये है कि सारा चीज़ मैंने पैक कर लिया था, कैमरा माइक सब कुछ इसमें रख दिया था, लेकिन मैं सोचा था कि डायरेक्ट वहीं लोकेशन पे जाके वीडियो शूट करूँगा, लेकिन मैंने सोचा कि उजाला हो गया है तो आज थोड़ा सा अलग करते हैं, मतलब जाते हुए आपको दिखाते हैं, क्योंकि आते हुए तो फिर धूप हो जाएगी, तो सुबह का नज़ारा आप भी देखेंगे तो अच्छा लगेगा, और मैं आपको बताऊँगा तो मुझको भी अच्छा लगेगा बताने में। सुबह सुबह की ठंडी हवा में आपसे बात करने में ना मुझे भी ज़्यादा मज़ा आएगा, तो निकलते हैं अब। चलो बोरो, इसको बैग में नहीं रखता हूँ क्योंकि इसको रखना है अपने को डिक्की में, इसको तो जेब में रखना पड़ेगा, मोबाइल जीने का एक सहारा हो गया है। आज गाड़ी साफ है अपनी, मतलब यहाँ कुछ नहीं रखा है, सारा सामान यहाँ है, इसको इधर रखना पड़ेगा, किक मारना पड़ेगा, चोक ऊपर लो। उससे चालू हो जाने में क्या होता है। जय श्री राम, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, कैसे हो? गर्मी अब ख़त्म हो रही है, अच्छा है, गर्मी को ख़त्म होना भी चाहिए यार, अच्छी ठंडी ठंडी हवा लग रही है बॉडी में, मज़ा आ रहा है। इस गर्मी में मैं सोचा था कि बहुत काम करूँगा, लेकिन इतनी गर्मी पड़ रही थी कि मैं ऑफिस में बैठ भी नहीं पा रहा था, अब काम करना है। बरसात में फिर प्रॉब्लम होगी, हर सीज़न ही प्रॉब्लम रहती है, नहीं नहीं लेकिन बरसात और ठंड में ज़्यादा काम करेंगे। मुझको निकल जाना था और पहले ही, लेकिन क्या करूँ, सुबह के कार्यक्रम में टाइम हो ही जाता है। मैंने सोचा था कि डायरेक्ट वहीं जाके वीडियो बनाऊँगा, लेकिन उजाला हो गया थोड़ा सा तो मन में लालच आई, मैंने सोचा कि वहाँ जाके डायरेक्ट वीडियो बनाने में उतना मज़ा नहीं है, रास्ते में चल के चलो, उसके बाद वहाँ पे पहुँचो तब मज़ा आएगा ज़्यादा वीडियो बनाने में, तो मैंने सोचा चलिए ऐसा कर लेते हैं। तो सारा चीज़ मैंने पैक कर लिया था, उसके बाद खोला हूँ और आपको बताया हूँ, और तब मैं चल रहा हूँ अभी, और मैं इसलिए भी चल रहा था कि सुबह जो ये लोग आप लोग को इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं तो ये लोग भी दिखेंगे मॉर्निंग वॉक पे, तो अच्छा लगेगा आपको भी। जबलपुर में लॉकडाउन अभी खुल चुका है, दो ही तीन दिन हुए, देखिए ये रेलवे लाइन, ट्रेन भी खड़ी है, लेकिन ये बंद हो चुकी है अभी, अब नहीं चलता है ये, पहले चलता था, यहाँ पे फैक्ट्री है आगे इस साइड, तो फैक्ट्री का कुछ माल आता है, माल बोले तो एक्सप्लोजिव फैक्ट्री का माल आता है यहाँ। अभी हम लोग चल रहे हैं पाठ बाबा, इस चैनल पे जब से मैंने काम करना शुरू किया था तो पहले दिन जो व्लॉग मैंने किया था, जिस लोकेशन पे अभी जा रहे हैं वहीं से मैंने स्टार्ट किया था उस व्लॉग को, मतलब थोड़ा सा मैं डरते सहमते बनाया था क्योंकि पहली वीडियो थी वो, तो थोड़ा सा डर लग रहा था मुझको। आप देखिएगा उस वीडियो को, मतलब जिस जगह पे हम लोग अभी जा रहे हैं ना, उस जगह की बहुत गजब की स्टोरी है, आप सुनेंगे भी फिर भी आपको विश्वास नहीं होगा, मैं वहीं चल के आपको बताऊंगा। देखिए वो खड़ी है रेलगाड़ी, और एक बात आज मैं आपको बता देता हूँ, जब आपको मैं हमेशा बोलता रहता था कि मैं पहले रनिंग करता था, तो रनिंग मैं यहीं करता था, यहीं पर डेली मैं साइकिल से उस समय आता था, 15 में 16 में आया हूँ यहीं पे, अभी रास्ते में वो ग्राउंड पड़ेगा। लॉकडाउन खोलने से थोड़ा लोगों को राहत मिली है, अब क्या पता ये लोग जो टहल रहे हैं डेली ही टहलते होंगे, मैं तो खैर आज निकला हूँ, नहीं तो पूरी तरह से मैं टोटली बंद था। ये है वो ग्राउंड जिसकी मैं बात कर रहा था, यहीं पर दौड़ते थे हम लोग, बहुत बड़ा ग्राउंड है यार, अरे कुछ लोग तो टहल रहे हैं, चल के देखें क्या, चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती थी, बहुत सारे बच्चे लोग आए हैं यहाँ पे, जहाँ पे गाड़ी खड़ी है सबकी, हम भी यहीं पे गाड़ी खड़ी करते थे, खैर हम तो साइकिल से आते थे तो साइकिल ऊपर उठा के ले जाते थे, इसका तो कुछ काम है नहीं, अभी रहने तो ऐसे ही चलते हैं, वापस तो आना ही है अपने को। पीपल का पेड़ है, इनको नमस्ते करते थे, जय पीपल देवता। ये देखिए इस वक्त कोई पहचान का मेरे मिलेगा नहीं, क्योंकि जब हम लोग रनिंग करते थे तो लगभग सारे लोग पहचानते थे,
अभी तो हम लोग ओवर एज हो गए ना, आर्मी की प्रिपरेशन करते थे उस हिसाब से, तो अब नए नए लोग आते रहते हैं, नए नए लोग जुड़ते रहते हैं इस ग्राउंड से। चलिए चलते हैं, जय पड़वा। यहाँ भी आ सकते हैं हम लोग, देखेंगे किसी दिन मन हुआ तो यहाँ भी आएंगे। फिलहाल अपने को चलना है दूसरी जगह। मज़ा आता है यार यहाँ पे दौड़ने में, गजब की फीलिंग आती थी जब खूब सारे लड़के रहते थे बैच में, दौड़ो 4 लड़के 5 लड़के 6 लड़के, आता था मज़ा। बहुत यादें जुड़ी हैं और जुड़नी भी चाहिए, तभी तो अच्छा लगता है। यही वो पल हैं जो याद आएंगे। ये है फैक्ट्री, गन कैरेज फैक्ट्री, इसी से जुड़ी है पहाड़ बाबा की बातें। आप देखिएगा, मैं ज़रूर आपको बोलूँगा कि वो वीडियो देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, पॉसिबल हुआ तो आई बटन में भी दूँगा लिंक, आप देखिएगा सुनिएगा वो वीडियो। यार मतलब ऐसी स्टोरी है कि आपको बिलीव नहीं होगा। और ये रास्ते बहुत खाली खाली रहते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी, कुछ है नहीं यहाँ पे, सिर्फ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं। आगे जाएंगे हम लोग जहाँ वहाँ मंदिर है, उसके अलावा यहाँ कोई घर भी नहीं है। जितने भी एक दो क्वार्टर्स हैं तो ये सारे गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं। जो फैक्ट्री ये है, आउटलाइन फैक्ट्री की दिख रही है, बहुत हरियाली है इस तरफ। यार इस रोड पे भी हम लोग दौड़ा करते थे। क्या यादें हैं। यहाँ से बनते हैं दो रास्ते, इधर से अगर आप जाएंगे तो पहाड़ों में जाएंगे, जो कि हम लोग अभी तो नहीं सोचा था हमें जाने के लिए, और यहाँ से जाएंगे तो मंदिर की ओर जाएंगे। तो चलिए मंदिर की ओर चलते हैं, लालच आ रही है यार इधर भी जाने के लिए। हम लोग इधर पहाड़ में दौड़ते थे, स्टेमिना अच्छा बनता है ना, वैसे ऐसा सीधा पहाड़ रहता था, पत्थर पत्थर रहते थे, तो उसमें हम लोग स्टेमिना बनाने के लिए उस तरफ जाया करते थे। यहाँ भी आया करते थे लेकिन ये समतल सतह है ना, तो हम लोग ऐसा मानना था कि जितनी कठिन वर्कआउट होगा, मतलब जितना कठिन वर्कआउट होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट हमको मिलेगा, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल वर्कआउट करते थे ताकि बेनिफिट मिले, और बेनिफिट मिला भी। सारे लड़के जितने दौड़ते थे सभी ने दौड़ तो क्लियर कर ली, लेकिन एग्जाम में कोई नहीं पास हो पाया। यहाँ पे मोर भी मिलते हैं, मैंने यहाँ पे मोर भी देखा हूँ। आज संडे है तो हो सकता है कुछ लोग और भी निकले होंगे टहलने के लिए, और आज संडे है तो हो सकता है कुछ लोग सो भी रहे होंगे। दोनों तरफ से बातें रहती हैं ना, क्योंकि देखिए खाना नहीं बनाना रहता है घर की लेडीज़ को, तो सोची होगी चलिए आज टहल लेते हैं, और कई लोग सो रहे होंगे कि यार पूरे वीक में खाना बनाते हैं तो आज सोते हैं। यहाँ पे लेकिन भीड़ रहती है, ज़बरदस्त भीड़ रहती है। जय पाठ बाबा। ये जो चढ़ैया अभी हम लोग चढ़ रहे हैं, इसको मैं पहले 7 बार 8 बार 10 बार ऐसे मारा करता था दौड़ के। चढ़ने में यहाँ समझ में आती है, और आप सोचिए मैं दौड़ता था यहाँ पे। ये रोड नहीं थी यार, रोड बन गई, आगे भी अच्छा बन गया है, चाहे तो हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं लेकिन अंदर ही करेंगे, देखते हैं अंदर ही करेंगे। मंदिर तो बंद है, मंदिर में जाने नहीं मिलेगा। लॉकडाउन तो खुल गया है जी, अपना तो पोपट लाल हो गया, कहीं और चलें क्या। वैसे इतना खुला एरिया है, जहाँ चाहो वहाँ कर सकते हो, दुकानें भी सारी बंद हैं। यहाँ पे पक्षी देखिए, यहाँ भी बोलेंगे, जैसा जैसी जगह हम लोग कल गए थे सेम उस टाइप की ही जगह है ये भी। इतने सारे पेड़ पौधे, मतलब जंगल ही, पूरा जंगल है ये। ये तो अभी बना दिए, नहीं तो हम लोग दौड़ा करते थे यहाँ पे। देखिए जैसे ये सामने पहाड़ दिख रहा ना, ऐसे इस पहाड़ पे ऐसे चढ़ते थे यार। ये कुछ सब स्टेशन टाइप का बना दिए हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 10 मेगावाट, मेगा ही वाट होगा ना पता नहीं, सोलर पावर प्लांट GCF जबलपुर। अरे ये पूरा घेर दिए हैं यार, हम लोग तो यहाँ पे दौड़ते थे, ये रोड बना दिए, पूरा मिट्टी मिट्टी था यहाँ पे। देखिए पूरा सोलर पावर प्लांट लगा दिए, सही है, चलिए बिजली बना रहे हैं और क्या है। लेकिन अभी का यूथ जो उस ग्राउंड में दौड़ रहा है वो ये सारी चीज़ें मिस कर गया जो हम लोग देखे थे। वहाँ से सनराइज़ हो रहा है बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम अपना। देखिए मोर बोला, इसमें आवाज़ शायद नहीं आएगी, चुप हो गया। चौदह मिनट 12 सेकंड, 1000 कंप्लीट, 400 और बचे। आज था day 5, आज टाइम पे मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, फिर भी आपको बताने के लिए मैंने टाइमिंग लिया हूँ। 18 मिनट 22 सेकंड में आए हैं
1400। शुरुआत में थोड़ी सी आज भी प्रॉब्लम हुई थी, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ऐसे क्यों हो रहा है, रस्सी क्यों फंस रही है बीच बीच में। दो दिन मैंने घर पे किया, दो दिन ऐसा नहीं फंसा, लेकिन पता नहीं आज भी फंसा कल भी फंसा। एक बात लेकिन सही हुई है कि जब एंडिंग में आने लगा ना, मतलब जैसे ही 1000 कूद लेता हूँ उसके बाद की जो 200 कूदा हूँ 100 की दो गई है, और उसके पहले 1000 में सिर्फ एक गया है 100 का। तो इसके लिए कई बार मैं नीचे देख रहा था कि कहीं मैं कूदने में तो गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, कई बार मैं पैर ज़्यादा ऊपर कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं, कुछ ना कुछ कमी कर रहे हैं हम लोग, करते करते आ जाएगा। ये वो जगह है जहाँ हम एक्सरसाइज कर रहे थे, और यहाँ से पूरा ऐसा स्लोप है नीचे की ओर, और यहाँ से है ऊपर की ओर। अब मेरे साथ क्या हुआ, मैं इस तरफ फेस करके कर रहा था ऐसे में, मतलब यहाँ से स्लोप ऐसा है। अब जब मैं रस्सी कूद रहा था तो बार बार पैर में फंस जा रहा था, मुझको ऐसा शक हुआ था कि शायद ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन फिर भी मैंने किया, मैंने बोला कि कर लेते हैं। लेकिन जब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मैंने सारा पैकअप कर दिया, उसके बाद मैं सोचा कि इस तरफ फेस करके एक बार दूसरे एंगल में शूट करता हूँ। तो दूसरे एंगल में जब शूट कर गया तो 100 रस्सी कूद गया यार, मतलब ऐसे में जब ऊपर की ओर स्लोप था ना तो उतने समय कूदते नहीं आ रहा था, लेकिन जब नीचे की ओर डाउन साइड में फेस करके जब मैं रस्सी कूदा हूँ तो बढ़िया कूद गया हूँ। यहाँ पर एक्सरसाइज करने वाले सिर्फ हम ही नहीं हैं, और भी लोग हैं जो कर रहे हैं, और जब मैं रस्सी कूद रहा था तो बहुत लोग यहाँ पर टहलने भी आ रहे थे। खूबसूरती आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ मैं कर रहा था और कुछ लोग वो कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं यार, ये लोग अच्छा योगा जैसे कर रहे हैं। एक अंकल जी वहाँ बैठे हैं, एक भाई साहब ये कूद रहे हैं। मैं तो आज यहाँ पहली बार आया हूँ, बाकी ये लोग हो सकते हैं डेली वाले होंगे। मेरे हिसाब से यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि आज का कार्यक्रम अपना कम्प्लीट हो गया है। इस पाट बाबा की कहानी ऐसी है ना कि एक व्यक्ति था, ऐसे ही बताऊँगा, एक व्यक्ति था कोलोनल स्टेनली नाम का, उनके सपने में यहाँ के बजरंगबली आए थे, और उन बजरंगबली की इच्छा के बिना यहाँ पे और जो गन गैरेज फैक्ट्री है वहाँ पे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। बाकी की स्टोरी जानने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देखिएगा। अब घर पे मिलते हैं। वहाँ से आने के बाद समय ज़्यादा हो चुका था, तो फटाफट नहाया धोया हूँ, पूजा पाठ किया हूँ, उसके बाद आज दूध ब्रेड खाया हूँ, चने को स्किप कर दिया हूँ। आज सैटरडे था तो सोचा, सॉरी संडे था तो सोचा संडे स्पेशल खाते हैं, और ये जो दूध ब्रेड खाया हूँ ये स्टार्टर के तौर पे खाया हूँ, अभी मेन कोर्स बाकी है। 9 बजने वाले हैं, 10-15 मिनट में 9 बज जाएगा और थोड़ी देर बाद जाएंगे हम लोग मेन कोर्स खाने। आज हम लोग जिस जगह पे गए थे उस जगह का नाम है पाट बाबा। वहाँ पे बजरंगबली जी स्थापित हैं, दुर्गा माँ स्थापित हैं और भोलेनाथ स्थापित हैं। पाट बाबा जबलपुर के सबसे फेमस मंदिरों में से एक है। पता नहीं आज उस मंदिर को क्यों बंद किए थे। आज से मैं 4 महीने पहले ही वहाँ गया था, जिस दिन मैंने अपना पहला व्लॉग शूट किया था तभी भी लॉकडाउन था, लेकिन तभी तो खुला था, मास्क लगा के सब लोग घूम रहे थे। आज क्यों बंद किए हैं कुछ जानकारी नहीं है। गार्ड हालांकि थे वहाँ पे, गार्ड वहीं पे डोर पे बैठे हुए थे, वो लोग किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे थे, और मुझको लगता है कि मंदिर के पुजारी भी होंगे अंदर, क्योंकि अंदर एक रूम भी है जहाँ सारे पुजारी लोग रहते हैं, और फिर दुर्गा माँ की, बजरंगबली जी की, शंकर जी की पूजा भी तो करना है, कौन करेगा पूजा। सिर्फ बाहरी लोग अलाउड नहीं है, बाकी मंदिर का सारा स्टाफ अलाउड है, क्योंकि मंदिर की देखरेख भी तो करनी है, साफ सफाई का ध्यान भी रखना है। जबलपुर में अभी अभी लॉकडाउन खुला है, तो मुझको लगता है कि अब हो सकता है एक दो दिन में, अभी 4 दिन पहले ही खुला है, एक दो दिन में या फिर इस वीक के अंत तक जो भी हो उन लोग कुछ निर्णय लेंगे और फिर मंदिर को चालू किया जाएगा। अभी हो सकता है कि वो लोग सोच रहे होंगे कि अभी ऐसा ऐसा कुछ प्लान करेंगे, तो आने वाले दिनों में शायद खुलेगा मंदिर। आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलो पढ़। अबे यार लाइट चली गई।